हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ सिमेज के एक फैकल्टी हैं जिनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर, आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। मेरा नाम कुंदन कुमार है। मेरा एजुकेशन बिहार यूनिवर्सिटी से बीएससी मैथमेटिक्स है। उसके बाद एमएससी मैथमेटिक्स में हम गोल्ड मेडलिस्ट है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से। तो अभी सिमेज में आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? सिमेज में अभी हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। साथ में उस बच्चे को जैसे थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको अब जैसे ही डिग्री मिलेगा तो उनके पास जॉब के लिए TCS, NKTU, विप्रो ये सब कंपनी में जाने के लिए, मतलब TCS के थ्रू बड़े बड़े कंपनी में जाने के लिए उनको टेस्ट लिया जाता है। उसमें जनरल मैथमेटिक्स पूछा जाता है, उस सब्जेक्ट को भी हम पढ़ाते हैं। तो आप अपने टीचिंग का कुछ स्पेशल मेथड वगैरह है जो आप बच्चों को सिखाते हैं? हाँ, बच्चों को जैसे को कभी कभी होता है कि मेरा सिलेबस चल रहा है, कोर पेपर चल रहा है, कोर पेपर के बीच में बच्चों के बीच नया चीज़ लाते हैं, जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ पता करना। कोई भी बच्चा किसी भी, आप सिमेज में आइए और किसी भी बच्चे को उठा लीजिए, किसी का भी डेट ऑफ बर्थ आपको वो तुरंत बता देंगे, ये नया चीज़ है। फिर सेकेंड सेमेस्टर में EQ में जाइएगा तो वो एंटी नॉमिकल एनालिसिस जो पेपर है वो एक ऐसा पेपर है ना कि जहाँ पे मैथमेटिक्स आप सोचते कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे पॉसिबल करके बताता है। बहुत सारा इंटीग्रेशन जो आप हर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं बना सकते, लेकिन न्यूमेरिकल एनालिसिस से आप जाइएगा तो आप बना सकते हैं। तो उसमें बच्चों को जैसे मैं, आप IT के बच्चे हैं तो उनको आगे कोडिंग में, मैथ मतलब कंप्यूटर साइंस में उसको कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए लॉजिक चाहिए, तो वो लॉजिक बच्चों में उसी पेपर से या बहुत सारे जो भी पेपर है कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसमें ये बताते हैं कि लॉजिक कैसे ढूंढना है, क्योंकि आगे उनके जो फील्ड होंगे वो कोडिंग में ही उनके काम आने वाले हैं, कोई प्रोग्राम बनाएंगे वो, तो उनके लिए चाहिए क्या कि जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना उस टॉपिक में उनको लॉजिक कैसे खोजना है, तो वो चीज़ सिखाते कि लॉजिक कैसे खोजा जाता है। तो और क्लास में क्या क्या एक्टिविटीज़ कराते हैं? क्लास में जैसे अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट ही होने वाला है तो उससे पहले हर एक मंथ में प्रोजेक्ट देते हैं। पहले प्रोजेक्ट दिए थे बच्चों को कि जो भी टॉपिक पढ़ाएं सबसे पहले उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए, वो आके प्रेजेंट कीजिए। उसके बाद अब बोले कि आपको जो भी टॉपिक है, मतलब आपको सारे बच्चों में टॉपिक बता दिए कि जैसे किसी को डिफरेंशियल कैलकुलस, किसी को इंटीग्रल कैलकुलस, ये दे दिए। अब उस टॉपिक में उनको खोज के लाना है, जहाँ से खोज के लाए, और उनको बताना है कि इस टॉपिक को हम पढ़ते ही पढ़ते क्यों हैं, और ये सबसे पहले कौन लाए थे, कब लाए थे, ये सब के बारे में उनको जानकारी होना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर एक बच्चा बता रहे हैं तो वो क्लास के सारे बच्चों को उस चीज़ के बारे में पता चलेगा, जैसे इंटीग्रेशन क्यों आया गया, इंटीग्रेशन को क्यों लेके आए, और इंटीग्रेशन कब आया, कौन ला, ये सब चीज़ हम लोग मैक्सिमम कॉलेज में या कहीं पे भी इंस्टीट्यूट में क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफिनेशन देते हैं, उसके फॉर्मूला देते हैं, उस पर क्वेश्चन बनाते हैं। ये नहीं होता कि ये इंटीग्रेशन ही क्यों पढ़ना है मेरे लाइफ में, और खासकर जितना भी आपके लाइफ में जो जो एक्टिविटी होता है उस टॉपिक को मैथ के टॉपिक से जोड़ते हैं, इससे बच्चा को अच्छी तरह से समझ में आता है। और वो चीज़ भी आ जैसे आप मूवी देखने के लिए जाते हैं तो मूवी के जो 3 घंटा में पूरा स्टोरी है वो पूरा आपको याद हो जाता है, सेम उसी तरह क्यों, क्योंकि मूवी आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड है। सेम उसी तरह मैथ को दैनिक जीवन से अगर हम जोड़ देते हैं ना तो वो बच्चा कभी भूलता नहीं है, उसको हमेशा याद रहता है। ओके सर, तो अभी सिमेज में आप पढ़ा रहे हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस है सिमेज को लेकर? सिमेज में विगत 2 वर्षों से हम पढ़ा रहे हैं, तो सिमेज एक ऐसा कॉलेज है जो बिहार में बहुत सारे कॉलेज होंगे, हैं भी, लेकिन वहाँ पे जो प्रेजेंट स्टूडेंट का प्रेजेंट है वो बहुत कम है, और यहाँ पे आपको आना ही है। अगर सिमेज में एडमिशन लिए इसका मतलब है कि आपको क्लास करना ही है। जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं, जो सोचते हैं कि सिर्फ हम एडमिशन ले लेंगे, डिग्री ले लेंगे, उसके लिए सिमेज नहीं है। सिमेज में आना है मतलब कि आपको 3 साल तक पढ़ना है, कोई आपको हॉलीडे भी बहुत कम मिलेगा, ये बात। आपको घर पे भी होमवर्क इतना ज़्यादा आपको मिल जाता है कि आप कोई एक्स्ट्रा दूसरा चीज़ सोच ही नहीं सकते। आप सिंपल समझ लीजिए कि आप कोई भी काम को पर डे, सिमेज में क्लास पर डे 5 से 6 घंटा का चलता है, पर डे आप 5 से 6 घंटा यहाँ करते हैं, उसका होमवर्क घर पे कीजिएगा, तो कोई भी स्टूडेंट हो अगर इतना मेहनत करता है तो उसको फल जरूर मिलेगा, ये श्योर है। जी सर, अभी 12th के एग्जाम्स होने वाले हैं तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को? 12th का तो मैथ्स में हम ये टिप्स देना चाहेंगे कि सबसे पहले अभी आपके पास जो NCERT बुक है उसको एग्जाम्पल, जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसको पहले लेके सॉल्व कीजिए,
उससे उससे ये पता चलेगा कि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कैसे सॉल्व किया जाता है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन उठाए बना ले, ऐसा नहीं होता है। आपको उसमें एक ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स याद कीजिए। सब्जेक्टिव आएगा, उसके लिए एग्जाम्पल को देखना है। एग्जाम्पल ये बताता है कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कीजिएगा तभी फुल मार्क्स आएंगे। कोई स्टूडेंट बोलते हैं क्या कि हम तो सॉल्व किए थे लेकिन हमको मार्क्स नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो एग्जाम्पल को सॉल्व नहीं किए, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं और अपने अनुसार वो बनाना स्टार्ट करते हैं। जी नहीं, आपको जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उस वो बे बताता है कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए।